एक खतरनाक सवाल ले लेते हैं जी, न्यू बताओ कांग्रेस के अंदर जितना लोग न्यू अभी कई डाल के गुट हैं, कुमारी शैलजा गुट है, उड्डा गुट है, रणदीप सुरजेवाला गुट है, गुटम गुटा हो रही है, कौन सा गुट में हो आप? मैं हूँ कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ, मैं हूँ राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ। सवाल लगे जवाब तो देने आवा जी, चंडे राजनीतिज्ञ बन गए हो तो भाई फिलहाल जो है तो हम देख सको हो अलका कलायत का बड़ सिकरी गांव और चुनावी सरगर्मियां तेज होगी है, तो फिलहाल जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत करा जा रहा है अनीता ढुल का। अनीता ढुल बड़ सिकरी कलायत विधानसभा से दावेदारी की अगर मैं बात करूं, प्रत्याशियों की मजबूत दावेदारी। हाँ जी अनीता जी, गांव के अंदर बहुत ही जबरदस्त और भव्य स्वागत आपका कराया गया है। ये मेरा अपना गांव है और यहां तो मैं जब से पैदा हुई हूं और आज तक मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता ही रहता है, आप देख रहे हो। अच्छा जी, तो मतलब एक छोटी सी जनसभा गांव में रखी गई थी, आपका स्वागत के लिए गाँव ने इकट्ठा होना था। ये गाँव वालों ने ही खुद का प्रोग्राम रखा है मेरे मान सम्मान के लिए, इनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गांव वालों के यूथ ने ये प्रोग्राम किया हुआ है, मेरे गांव के यूथ ने। तो अलका कलायत की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल जो है मौजूदा यहाँ से जो विधायक है कमलेश डंडा, उसके गढ़ में सेंधमारी कर दी आपने, के लागा आपने? मेरा गढ़ है, ये मेरा गढ़ है। तो कैमरा मैन पर दिखा दे भाई, पाछे पूरी धूल उठ ली है। फिलहाल जो है अनीता ढुल का बहुत ही जबरदस्त तरीके से भव्य स्वागत करा जान लग रहा है, और कांग्रेस की दावेदारियों की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे दावेदार हैं कांग्रेस में, आपका दावा सबसे मजबूत क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से मेहनत कर रही हूं और जमीन फील्ड में मेहनत कर रही हूं, हर के कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाती हूं 10 सालों से। अच्छा, हर किसी की हक की लड़ाई लड़ती हूं, चाहे धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे मुझे कैंडल मार्च निकालना हो, जो कांग्रेस पार्टी का निर्देश मिलता है पिछले 10 सालों से मैं वो करती आ रही हूं। चलो आज एक बार नीचे पब्लिक के बीच में और लोगों की राय भी लेवांगे आपकी भी। तो फिलहाल तो हम देख सको हो किस तरह से अनीता ढुल का बहुत ही जबरदस्त और भव्य स्वागत जो है वो किया जाने लग रहा है। जैसे ही अनीता ढुल अपने गांव में पहुंची है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत, इतना जबरदस्त स्वागत जो है, एक छोटा सा जो कार्यक्रम इतना लाड प्यार गांव में आने पर पहुंचे है, आप जैसे गांव में पहुंचे हो तो इतना जबरदस्त स्वागत है, या जो भीड़ है कि वोट बैंक में तब्दील हो पाओगी? बिल्कुल जी, ये तो आप देख ही रहे हैं, इनका आशीर्वाद और प्यार, इस गांव की बेटी हूँ ना, बस वो मिल रहा है मेरे को। अलका कलायत की समस्याओं की अगर मैं बात करूँ, किस दाल की समस्याओं से वाकिफ हो आप? समस्या ही समस्या है, हर गांव की आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा समस्या तो मनरेगा मजदूरों की है। समस्याओं का ढेर है, ढेर है, पीने के पानी किसी भी गांव में पीने का पानी नहीं है। आप लोगों को यदि ये गांव के लोग ताकत देते हैं तो उन चीजों के ऊपर काम हो पाएगा? देखिए, इनका प्यार स्नेह और आशीर्वाद ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और आज की बात नहीं, यही जनवरी मास और पिछले 6 साल पहले भी इन्होंने मुझे यूं ही साथ दिया था। तो ये देख सको भाई तुम किस तरह से अनीता ढुल का किस तरह से 36 बिरादरी सम्मान समारोह, उसमें बहुत ही जबरदस्त स्वागत, प्रत्याशियों की जो दावेदारी है उसका दौर चल पड़ा है। हाँ जी ताऊ जी, आशीर्वाद दे दिया बने की बात सी? हाँ बिल्कुल। चलो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे भाई, और बहुत ही जबरदस्त तरीका था है अनीता ढुल का, बहुत ही जबरदस्त तरीका था है स्वागत गांव में पहुंचने पर किया गया है। ये देखो गांव के बड़े बुजुर्ग, हाँ जी, किस तरह का महसूस कर रहे हो, आपके गांव की बेटी आपके गांव में पहुंची है? जमा सही कर रहे जी, जब साथ जाएंगे। अच्छा, सब ला के की बात सी? हाँ सही बनावांगे, तय दिल से जी। चलो फिलहाल जो है अनीता ढुल बड़ सिकरी गांव में पहुंची है, और जो गांव की जो बुढ़ी ताई हैं वह माला लेकर और स्वागत की तैयारी में खड़ी हैं। हाँ ताई, बनेगी कि मैं बात बनेगी जुम्मा तो बनेगी बनाए के लिए हमारे इनका छोरी ना सारी पोटिशन दोगे? हाँ जुम्मा, एक का एक। अच्छा बहुत तो भाई गेला गेला बोट और गेला गेला सपोर्ट। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो,
फिलहाल जो है एक जो कार्यक्रम है वो जन सैलाब में तैयार हो गया और पूरी की पूरी रैली में तब्दील हो गया। हाँ जी, हाँ जी, क्या लगा आपने गांव की छोरी है? मेरी बेटी बेटी। अच्छा, बने की बात थी? हाँ, बनेगी जी, बात एकदम एक नंबर की बात बनेगी। अच्छा, एकदम जीत के ले आवांगे, एकदम पूरी कांग्रेस की सरकार आवे जान पक्की। अच्छा, लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार आवेगी जी। अच्छा, बड़े बड़े दावे करे जान लग रहे हैं, फिलहाल तो हम देख सको सारे भारत में कांग्रेस की सरकार आवेगी जी, कोई ताना साई नहीं रहेगा। अच्छा, जमे बढ़िया बढ़िया काम बनेंगे, बढ़िया बढ़िया भगवान के नाम आवेंगे, जमे बढ़िया बढ़िया नेता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो ठीक रहे हैं जी, उसका ताना साई था किसान तमें तंग कर दिया जी उसने कने। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, ये देखो। हाँ जी, इतना वजन आप में को नहीं, जितना वजन फूल माला में हो गया बस ही। वाह जी वाह, ये तो जी, इनका प्यार है। इतना बोझ तो आप में कोनी जितना आपकी फूल माला में। तकड़ी कर रखी हूँ, कितना ही वजन डाल दो बोझ को नहीं, इनका प्यार और स्नेह है। खुराक का काम करेंगी? बिल्कुल, ये तो ताकत है मेरी ये। फिलहाल जो है तुम देख सको हो, तो अनीता जी इतना जबरदस्त इतना भयंकर तरीके से आपका स्वागत किया गया है, तो किस तरह का महसूस कर रहे हो आप? बहुत, आज इन्होंने सरप्राइज दे दिया मेरे को। सरप्राइज दे दिया? बिल्कुल सरप्राइज दे दिया। और उम्मीद थी आपने इतना जबरदस्त तरीके से? उम्मीद तो थी, अपने गांव में तो उम्मीद तो है ही, और करते ही रहते हैं, आज से नहीं कर रहे, पिछले 9 सालों से ही ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, आज से 6 साल पहले भी इन्होंने मेरा ऐसे ही साथ दिया था, यहाँ से काफिला निकाला था, कलायत तक निकाला था, और 6 घंटे ये मेरे रैली में बैठे रहे थे। पार्टी हाईकमान की अगर मैं बात करूँ तो वो हर प्रत्याशी को बिल्कुल खंगाल के न्यू देखा है, ठोक बजा के, अब भाई क्या इस प्रत्याशी में दमखम है, क्या ये प्रत्याशी हल्के की जो समस्याएं उन तक वाकिफ है, तो आपकी अगर मैं बात करूं तो के लगा आपने हल्का कलायत की समस्याओं से कितना वाकिफ हो आप? मैं तो डोर टू डोर कर रही हूँ, हर घर में जा रही हूँ, हर गाँव की परेशानियों, हर गाँव का चार्ट मेरे पास है। मतलब पार्टी हाईकमान को आप ये आश्वासन दे सको हो, अभी कलायत विधानसभा की सीट उनकी जोड़ी में डाल सको आप? बिल्कुल, देख ही रही है पार्टी हम हाईकमान के आदेश अनुसार और कांग्रेस की नीति विचारधारा में हर डोर पे लेके जाती हूँ, हर जन तक पहुँचाती हूँ। तो एक खतरनाक सवाल ले लेते हैं जी, न्यू बताओ कांग्रेस के अंदर जितना लोग न्यू, अभी कई डाल के गुट है, कुमारी शैलजा गुट है, उड्डा गुट है, रणदीप सुरजेवाला गुट है, गुटम गुटा हो रही है, कौन सा गुट में हो आप? मैं हूँ कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ, मैं हूँ राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ। सवाल लगे जवाब तो देने आवा जी, चंडे राजनीतिक क्या बन गए हो? ये देखो, मतलब जोरदार तालियों से स्वागत कराया जाने लग रहा है अनीता ढुल का। तो अनीता जी गांव में पहुंचे हो, बहुत जबरदस्त स्वागत हो आपका, और किस तरह का न्योंदा न्योंदार के लिए भी आप सुनी थी वही कुछ निमंत्रण भी दोगे गाँव वाले थे? जी बिल्कुल दूंगी, क्योंकि अभी ये जन संदेश यात्रा आ रही है हमारे कलायत में, इसमें हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी आएंगी, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी आएंगी, और मैडम किरण चौधरी भी आएंगी, मैं घर आकर ले लूंगी। ये देखो भाई, जबरदस्ती आशीर्वाद देने की प्रक्रिया चलती है। बिल्कुल, तो वो मैं करने आ रही हूँ कलायत में, उनका 7-8 डेट रहेगी कलायत में, और उनका निमंत्रण भी मैं अभी दूंगी सबको। तो इस यात्रा का कितना के इफेक्ट आपने लग गया है, जिस यात्रा के लिए गाँव में भव्य स्वागत भी हो रहा है और निमंत्रण भी? ये यात्रा एक तरफी रहेगी, इस यात्रा के अंदर कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि मेरा संदेश न्याय यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दो, और हर हलके के अंदर ये यात्रा जाएगी। कलायत के अंदर भी फरवरी माह में फर्स्ट पहले सप्ताह में भव्य रैली का आयोजन अनीता ढुल बरसिकरी के नेतृत्व में किया जाएगा, जिसका आदेश हमारी बहन कुमारी शैलजा, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी दे चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और कार्यक्रम की अगर मैं बात बताऊं तो चुकृत देख सको किस तरह से बरसिकरी जो कि एक छोटा सा गांव है, जिस गांव में भारी तादाद में लोग अनीता ढुल को सुनने के लिए पहुंचे हैं, और अनीता ढुल का बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया है, इन तस्वीर पर छोड़ के तरती जान लग रहे हैं। वीडियो नगर दो जिला का शेर शेरिंग का तरते बतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उत्तरादेशी पत्रकार दोनों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, बार बार धन्यवाद।